हेलो दोस्तों मैं हूं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं एम सी दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको घर बैठे मैं एक्सेस का फुल ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूं तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है मेरा एक्सेस का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं फर्स्ट वीडियो जो आपने अगर देखा होगा तो ये दूसरा वीडियो जो मैं लेकर आऊँ तभी आपको समझ में आएगा अगर मेरा आपने फर्स्ट वीडियो देखा है अगर आपने नहीं देखा है तो वो मेरे इस चैनल पे जा करके फ़र्स्ट वीडियो एक्सेस का देख लीजिएगा मैं एक्सेस का पूरा ट्यूटोरियल का सारा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेस पे काम कैसे करते हैं जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेस में डेटा हम इंपोर्ट कैसे कराते हैं अब चूंकि डेटा एक बार एक्सेस में इंपोर्ट हो तो गया पर हम उस पर वर्क कैसे करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि एक्सेस में जब डेटा हम इंपोर्ट करा लेते हैं तो हम उस पर काम कैसे करेंगे इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डेटा को हम शॉर्ट कैसे करते हैं डेटा को हम क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं डेटा को हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक्सेस्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपके बहुत काम के होंगे दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक्सेस का वीडियो ना यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा आपको क्योंकि एक्सेस का वीडियो यूट्यूबर बहुत कम लोग बनाते हैं क्योंकि सबका यही थीम होता है कि मैं छोटा वीडियो बनाऊं और ज़्यादा उस पर व्यू लेकर आऊं मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा एक ही मोटिव है दोस्तों कि मैं आपको घर बैठे एम एस एक्सेस सिखा दूं क्योंकि एम एस एक्सेस का बहुत कम वीडियोस आपको ना वो भी प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब पे मिलेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि तो अभी भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ ले करके आने वाला हूँ अगर आप एक्सेस सीखना चाहते हैं देखिए एक्सेस जो मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ एक्सेस की ज़रूरत क्यों है एक्सेस यहाँ इंडिया में भी ना बहुत सारे कंपनी में बहुत काफ़ी यूज हो रहा है और ख़ास करके विदेश में एब्रोड में अगर आप जाएंगे तो इनका बहुत काफ़ी डिमांड है और बहुत अच्छा पैकेज भी इस पर मिलता है तो अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जा रहे हैं डेटा बेस पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको एक्सेस ज़रूर आना चाहिए और एक्सेस मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूँ हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि एक्सेस आप किसी का वीडियो देख करके के यूट्यूबर से एक घंटे का दो घंटे का अगर चाहें कि मैं सीख जाऊँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको पूरे बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है आप खुद जाकर सर्च करके देख भी सकते हैं लेकिन मैंने जैसे आपसे वादा किया है कि मैं पूरा फुल ट्यूटोरियल का स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ तब तक लेकर के आने वाला हूँ जब तक आप घर बैठे एक्सेस का पूरा वीडियो देख करके सीख ना जाए तब तक मैं वीडियो लेकर आते ही रहूँगा तो दोस्तों अगर आप पूरा एक्सेस का ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जब भी मैं इस पर नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और हां दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर वीडियो आपको पसंद है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मेरा मेहनत सिर्फ इतने के लिए ही है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो के स्क्रीन पे चलते हैं तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस एक मैंने एक्सेस ओपन किया एक्सेस का नाम है एक्स वाई जेड इसमें मैंने एक टेबल ले रखा है जो इंपोर्ट के थ्रू लाया है टेबल का नाम है टेलीकॉम डेटा सबसे पहले मैं आपको ये डेटा ओपन करके इसमें दिखा दे रहा हूँ टेबल ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि इसमें डेटा कैसे पड़ा हुआ है तो मैंने इस पर राइट क्लिक करा ओपन किया ये इसमें कुछ इस प्रकार के डेटा पड़ा हुआ है मैं थोड़ा सा आपको पहले इस डेटा के बारे में बता दे रहा हूँ फिर मैं आपको इसमें एक एक फंक्शन इसमें लगा करके दिखाता हूँ कि अगर आपके पास एक्सेस में डेटा है तो डेटा पे आप वर्क कैसे करेंगे और इस पर कैलकुलेसन वगैरह का काम हम कैसे करेंगे तो देखिए जो मैंने टेबल ओपन किया है इसमें सबसे पहले हेडिंग दिखा रहा है मोबाइल नंबर का जिसमें कुछ मोबाइल नंबर्स पड़े हुए हैं सेकेंड हेडिंग जो है यहाँ पे दिया है कस्टमर नेम का इसमें कस्टमर का नाम दिया हुआ है थर्ड जो दिया गया है इसमें आरसी डेट का इसमें आरसी का डेट दिया, मतलब दिया गया है आरसी डेट मतलब रिचार्ज डेट दिया गया है नेक्स्ट जो है इसमें आर सी अमाउंट मतलब रिचार्ज अमाउंट कुछ है और यहाँ पे स्टेट दिया गया है इसमें कुछ स्टेट का नाम दिया गया है इस तरह का कुछ डेटा है टोटल अगर मैं डेटा की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप देख सकते हैं टोटल दिखा रहा है हंड्रेड रिकॉर्ड का डेटा है ठीक है दोस्तों तो इसी डेटा पर हम कुछ काम करने वाले हैं कि एक्सेस में अगर डेटा हम लेकर आते हैं तो डेटा पे हम कैसे इस पर कैलकुलेशन का काम करेंगे तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ और इसमें दिखाता हूँ कि अगर ये जो डेटा आ गया है इसमें हम कैसे काम करें देखिए दोस्तों काम करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक्चुअल इस डेटा में मुझे काम करना क्या है देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट का नाम दिया गया है और यहाँ पर इसका आर अमाउंट दिया गया है मुझे स्टेट वाइज इसका आर सी अमाउंट चाहिए होगा तो स्टेट वाइज आर सी अमाउंट इसका हम कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले इस टेबल को मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक्सेस पे जब भी हम काम करते हैं एक्सेस में जो भी हम टेबल में डेटा लेकर आते हैं और इस टेबल पे जब हमें काम करना होता है तो काम करने के लिए हमें सबसे पहले इस टेबल को क्लोज करना होता है क्लोज करने के बाद तब इस पे हम अपना काम शुरू करेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं इस पर जो मुझे आउटपुट चाहिए स्टेट वाइज टोटल अमाउंट आर सी अमाउंट चाहिए तो उसको हम कैसे निकालेंगे तो देखिए ये मेरा टेबल है अब मुझे यहाँ पे क्वेरी लगाना है तो क्वेरी लगाने के लिए मैं चले जा रहा हूँ क्रिएट में क्रिएट में जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्वेरीज का ठीक है दोस्तों अब इस क्वेरीज में जा करके आपको क्वेरी डिजाइन करना है तो डिजाइन करने के लिए दो ऑप्शन मिलता है एक क्वेरी विजार्ड का और एक क्वेरी डिज़ाइन का तो मैं यहाँ पे क्वा डिज़ाइन पे क्लिक कर दे रहा हूँ क्लिक करूँगा तो सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इसमें एक आपका इस तरह का फॉर्मेट खुल करके आएगा जिसमें तीन ऑप्शन देता है एक टेबल का एक क्वायरिस का और एक बोथ का टेबल मतलब हो गया कि हमारे एक्सेस में कौन कौन से टेबल पड़ेगा उस टेबल का नाम दिखाएगा सेकेंड दिया है क्वायरीज का कि अगर आपने इस एक्सेस में कोई क्वायरीज बना रखे हैं तो वो क्वायरीज सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा चूंकि अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी तक अभी हमने कोई भी क्वायरीज नहीं क्रिएट किया है पर इस वीडियो में अभी हम आगे जब चलेंगे तो अभी कुछ क्वायरीज भी इसमें क्रिएट करने वाले हैं जो यहाँ पर दिखाएगा बोथ का मतलब हो गया कि इसमें आपका टेबल और क्वायरीज दोनों मिक्स करके यहाँ पर शो करा देगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों अब ये जो इंटरफेस दिख रहा है यहाँ पे एक मैंने क्वायरी क्रिएट किया है जिसका नाम आया है क्वा वन अब इसी क्वायरी में मैं अपना टेबल ले करके और अपना काम करने वाला हूँ तो सबसे पहले जो भी मुझे एक्टिविटी करना है मुझे चूंकि इस टेबल में जो डेटा मेरा पड़ा हुआ है इस टेबल में से मुझे जो डेटा है इस डेटा से मुझे स्टेट वाइज मुझे आर अमाउंट निकालना है तो मैं इस टेबल को यहाँ से क्लिक करके और उठा करके अपनी क्वायरी में लेकर आऊँगा तो ये टेबल उठ के आ गया यहाँ पर क्वायरी में टेबल उठा लाया मैंने अब देखिए दोस्तों चूँकि मुझे चाहिए कि ये जो इस्टेट दिया है इस इस्टेट के अकॉर्डिंग मुझे आरसी अमाउंट चाहिए कि कौन से इस्टेट में कितने का रिचार्ज हुआ पड़ा हुआ है मुझे स्टेट वाइज इसका अमाउंट बताना है तो अमाउंट कैसे बताएंगे तो देखिए सबसे पहले इस्टेट को यहाँ से उठा करके हम यहाँ पे लाएंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो लेकर आएंगे अब यहाँ पर लाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ जैसे कुछ यहाँ पे फील्ड्स दिए गए हैं एक एक फील्ड्स के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं फील्ड्स के आधार पे हम एक्सेस का सारा क्वारी रन कराते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं स्टेट को उठा करके लाया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैं लेकर आया तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि फील्ड दिया है फील्ड मतलब होता है हेडर जो मैंने अब इस डेटा को इसमें इंपोर्ट कराया था तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि एक्सेस में हेडर को फील्ड के नाम से जाना जाता है जैसे ही मैं यहाँ पे यहाँ से स्टेट को उठा करके लाया तो फील्ड वाले रो में नाम ले लिया किसका स्टेट का क्योंकि इसका फील्ड का नाम क्या है स्टेट सेकंड में ले लिया आपका टेबल टेबल मतलब हो गया कि इस टेबल का नाम क्या है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल का नाम क्या दिया गया है टेलीकॉम डेटा तो टेबल का नाम ले लिया इसने किस में टेबल में अब नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रहा है आपका शॉर्ट का उसके अगला ऑप्शन आपको दे रहा है शो का उसके बाद आपका ऑप्शन दे रहा है क्राइटेरिया का और उसके बाद ऑप्शन आपको दे रहा है और का देखिए एक एक करके ये सारे फील्ड्स आपको मैं डिफाइन करने वाला देखिए दोस्तों एक मैंने फील्ड यहाँ पे उठा के लाया स्टेट का और अब मैं अगर जा करके केवल इसी को अगर रन कर दूं यहां से sorry, यहां से जा करके मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि इस वाले टेबल में जो मेरा स्टेट का डेटा था वो बाय डिफॉल्ट केवल एक कॉलम का डेटा यहाँ पे आ गया अब जो कि जैसा मेरा स्टेट का यहां पे डेटा था बिल्कुल वैसे ही यहां पे शो करा रहा है अब यहां पे मैं राइट क्लिक करके फिर से इसके डिज़ाइन में चला जा रहा हूँ मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ से डिज़ाइन में चला गया यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये मेरा स्टेट का था यहाँ पे इस स्टेट को एक टेबल में ला करके सारे रन करके यहाँ पे दिखा दिया अब यहाँ पे दिखा रहा है जैसे मैं फिर से यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेट है जैसे दिल्ली है मुंबई है चंडीगढ़ है पंजाब है बिहार है यूपी है सारे स्टेट जो है ना इसमें मिक्स पड़ा हुआ है जैसे यहाँ पर देखेंगे दिल्ली का नाम एक यहाँ पर आ रहा है दिल्ली का दूसरा नाम एक यहाँ पे आ रहा है दिल्ली का तीसरा नाम कहीं और आ रहा होगा यहाँ पे आ रहा है मतलब कि सारे स्टेट मिक्स है अगर सवाल ये कर दिया जाए कि इसमें जितने भी स्टेट का नाम दिया गया है वो एक सीरीज में दिखाए सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो पहले दिल्ली एक साथ है है ना मुंबई एक साथ है चंडीगढ़ एक साथ है पंजाब एक साथ है तो उनको एक सीरीज में लाने के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक करके और मैं डिज़ाइन पे चले जा रहा हूँ और यहाँ से जा करके मैं शॉर्ट का ऑप्शन अपनाता हूँ शॉर्ट में जब मैं क्लिक करूँगा तो इसमें दो ऑप्शन मिल जाएगा एक असेंडिंग का और एक डिसेंडिंग का असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको मालूम होगा ए टू जेड और जेड टू ए तो मैं यहाँ से जा करके इसको एसेंडिंग कर दे रहा हूँ और अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखिए सारा ही मेरा स्टेट का जो डेटा था एक सीरीज में आ गया जैसे कि आसाम एक साथ आ गया उसके बाद बंगाल एक साथ आ गया उसके बाद बिहार एक साथ आ गया मतलब कि जो भी इसमें स्टेट का नाम मिक्स पड़ा हुआ था वह एक शॉर्ट होकर के एक सीरीज में आ जाएगा और सीरीज में भी कैसे आएगा तो ए टू जेड मैंने किया है एसेंडिंग ए टू जेड मतलब हो गया कि जिस स्टेट का नाम पहले ए से होगा पहले उसको दिखाएगा फिर बी वाले को दिखाएगा फिर सी वाले को दिखाएगा इस तरीके से दोस्तों अपने नाम को शॉर्ट कर सकते हैं अगर इसी को आप उल्टा करना चाहते हो उल्टा की अगर मैं बात बात करूं कि अगर आप लाना चाहते हैं कि पहले जेड से जो नाम है वो आए फिर वाई से जो है वो आए तो इसके लिए आप यहां पर राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन पे चले जाइए डिज़ाइन में जा करके और इसको यहाँ से असेंडिंग से हटा करके और डिसेंडिंग में कर दीजिए अभी तक जो नाम आ रहा था पहले एक आ रहा था जैसे मैंने रन किया था आप देखे थे आसाम का आ रहा था बिहार का आ रहा था अब अगर मैंने इसको डिसेंडिंग में कर दिया डिसेंडिंग में करने के बाद अगर इसको रन करता हूँ मैं तो वही सारा नाम एक सीरीज में तो आ रहा है लेकिन सब आपका नाम उल्टा आ रहा है मतलब कि पहले यूपी यू वाले आ रहा है उसके बाद पंजाब वाला आ रहा है उसके बाद मुंबई वाला आ रहा है अगर मैं लास्ट में बिल्कुल जा करके यहाँ से क्लिक करके देखूँ तो देखिएगा आप आसाम का नाम बिल्कुल लास्ट में आ गया है और बंगाल का नाम सेकेंड लास्ट पर आ गया है तो इस तरीके से आप यहाँ से जा करके असेंडिंग और डिसेंडिंग जो और यहां पे ऑप्शन दिया है कि इसका शॉर्ट का है कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं एक सीरीज में लाना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट करके और तब रन कीजिए आपका डेटा बिल्कुल एक सीरीज में आएगा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शो का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर साइन मार्क किया गया है शो so, मतलब हो गया दिखाना कि जो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ वो मेरा डेटा यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी प्रोग्रामिंग तो यहाँ पे डिजाइनिंग तो कर लूँ लेकिन जब मैं रन कर रहा हूँ तो डेटा मेरा शो ना करें तो जो यहाँ पर शो पर आपका साइन मार्क दिखा रहा है इस पर आप साइन मार्क को डिसेबल कर दीजिए मैंने यहाँ पे हटा दिया अब अगर इसको रन कीजिएगा तो इसमें आपका आउटपुट चलेगा ही नहीं नहीं दिखाएगा क्योंकि कोई भी अब अगर यहाँ से क्वेरी रन कर रहे हैं अगर डेटा ही आप नहीं शो कराइएगा तो वो रन ही नहीं करेगा आपका तो इसलिए आपका डेटा यहाँ पे नहीं दिखा रहा नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रहा है यहाँ पे दोस्तों क्राइटेरिया का क्राइटेरिया का खूब इस्तेमाल होता है जब आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे एक्सेल में आप लोग फार्मूला लगाते होंगे तो वहाँ पे बहुत से ऐसे फार्मूले हैं जिसमें क्राइटेरियाज वगैरह मांगता है बिल्कुल वो क्राइटेरिया भी यहाँ पे भी ना वैसे ही काम करता है जैसे मैं यहाँ पे अभी इसको रन करके जैसे मैंने यहाँ से शो कर दिया मैं रन करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना दिखा रहा है सौ दिखा रहा है जिसमें सबसे पहले किसका दिखा रहा है यूपी का और दूसरा किसका दिखा रहा है पंजाब का अब इसमें एक और सवाल हो सकता है कि मान लीजिए कि इसमें जितने भी स्टेट दिया गया है इनमें से मुझे यूपी का स्टेट केवल देखना है बाकी किसी का नहीं देखना है बाकी जैसे इसमें पंजाब आ रहा है मुंबई आ रहा है हरियाणा आ रहा है मुझे सारे स्टेट नहीं जे इन सब में से किसी एक स्टेट का चाहिए किसका यूपी का है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे डिजाइन पे जाएंगे और इसके क्राइटेरिया में जा करके उसका नाम डाल देंगे जैसे मुझे जिस स्टेट का देखना है तो मैंने इसमें नाम डाल दिया यूपी का यू पी और मैंने यहाँ से टैब करा अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए अब सारे ही स्टेट में से सिर्फ एक ही स्टेट का दिखा रहा है किसका यूपी का बाकी सारे स्टेट का नहीं दिखा रहा है तो क्राइटेरिया को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेस में क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा यूज होता है जैसे एक्सेल में आप लोग यूज़ किए होंगे एक्सेल में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है वैसे ही एक्सेस में भी ना क्राइटेरिया का बहुत बड़ा रोल होता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है एक निकल गया क्राइटेरिया में यूपी का अब देखिए दोस्तों मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से मैं फिर से रन कर रहा हूँ तो सारे स्टेट का नाम यहाँ पे दिखा रहा है यूपी का पंजाब का मुंबई का एंड हैदराबाद का सब दिखा रहा है अब यहाँ पे अगर ये सवाल कर दिया जाए कि मुझे एक स्टेट नहीं दो स्टेट का देखना है जैसे यूपी हो गया और बिहार हो गया मुझे दो स्टेट का डेटा चाहिए बाकी सबका नहीं चाहिए तो इसके लिए क्या कीजिएगा तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जा करके पहला क्राइटेरिया हम दे देते हैं किसका यूपी का क्योंकि मुझे यूपी का चाहिए दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है पंजाब का तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा नीचे आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन दिया है किसका और का और मतलब हो गया या तो एक यूपी हो गया और एक किसका चाहिए पंजाब का तो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ पंजाब पंजाब का अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए इसमें सिर्फ आपको दो ही स्टेट का डेटा दिखाएगा यूपी का पंजाब का ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप यहां पे जा करके राइट क्लिक करके डिजाइन में जा करके इन सारे ही फील्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि एक एक फील्ड जो मैंने बताया यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड का नाम क्या है स्टेट मतलब कि इसका हेडर हो गया स्टेट टेबल का नाम क्या है टेलीकॉम डेटा मतलब इस टेबल का नाम ले लिया है टेलीकॉम डेटा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शॉर्ट का मैंने इसको शॉर्ट कर दिया क्योंकि ये जो स्टेट का नाम था सारे मिक्स था एक में ही मिक्स था मैंने उसको एक सीरीज में कर दिया कि इसमें डिसेंडिंग में शो so, शो so का मैंने साइन मार्क रखा हुआ है क्योंकि इसमें डेटा शो कराना है अब चूंकि इसमें स्टेट है वो बहुत सारे स्टेट है लगभग पाँच सात स्टेट है उस पाँच सात स्टेट में से मुझे सिर्फ दो ही स्टेट का डेटा चाहिए तो मैंने क्या किया क्राइटेरिया में डाल दिया एक स्टेट का क्राइटेरिया में डाल दिया यूपी का और दूसरे में डाल दिया पंजाब का और अगर मैं रन कर रहा हूँ तो उन सारे ही स्टेट में से सिर्फ दो ही स्टेट का डेटा आपको यहाँ पे विजिबल करा रहा है कि इसका यूपी का और पंजाब का है तो इस तरीके से दोस्तों आप सारे फील्ड का यहाँ पे एक एक करके आप इस्तेमाल करके घर बैठे बड़े आसान तरीके से आप सीख सकते हैं अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप घर बैठे एक्सेस सीख सकते हैं देखिए दोस्तों एक्सेस का जो वीडियो होता है वो आपको कंटेंट्स इसमें सीखने को कम मिलता है सीखने को कम मिलता है इसमें लेक्चर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ना डिफाइन बहुत ज़्यादा किया जाता है इसलिए एक्सेस का वीडियो ना कभी भी बनाया जाएगा ना तो थोड़ा सा लंबा ही बनेगा ठीक है दोस्तों इसीलिए आपको YouTube पे बहुत कम सारे वीडियोस मिलता है क्योंकि यूट्यूबर जो भी वीडियोस बनाते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाए और मैक्सिमम हमारा उसमें व्यू मिल जाए तो अब एक्सेस का शॉर्ट वीडियो बना करके समझा देना पॉसिबल नहीं है दोस्तों जब भी एक्सेस का वीडियो बनेगा तो थोड़ा सा लंबा आपका ज़रूर होगा क्योंकि उसमें समझाना बहुत पड़ता है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरा काम चलिए मैं इसको इस कॉलम को मैं यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ पर जा करके यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट कर दिया मैंने अब देखिए दोस्तों काम जो था हमारा मैं इस पर राइट क्लिक करके इस टेबल को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको फिर से कि काम इसमें एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था आउटपुट क्या चाहिए था कि जो ये स्टेट का नाम दिया गया इस स्टेट के अकॉर्डिंग टोटल आर अमाउंट निकालना है टोटल आर अमाउंट निकालना है ठीक है दोस्तों तो चलिए मैं इस टेबल को बंद कर दे रहा हूँ क्वायरी मैंने क्रिएट कर ही रखा है सबसे पहले मैं इस्टेट को उठा के लेके आ रहा हूँ यहाँ अब यहाँ पे डिजाइन में जा करके के जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे ही स्टेट का नाम दिखा रहा है और कैसे दिखा रहा है अगर एक स्टेट का नाम दस बार ही है तो वो दस बार ही शो करा रहा है अगर किसी स्टेट का नाम पंद्रह बार है तो वो पंद्रह बार ही शो करा रहा है किसी स्टेट का नाम अगर बीस बार है तो वो 20 बारी ही शो करा है लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि इसमें जो स्टेट का नाम मल्टी टाइम दिया गया है एक ही स्टेट का नाम बार बार रिपीटेड आ रहा है मुझे इसमें स्टेट का नाम एक ही बार चाहिए मतलब कि जो भी इसमें स्टेट दिया गया स्टेट का नाम दिया गया है एक स्टेट का नाम सिर्फ़ एक ही बार आए डुप्लीकेट ना शो कराए तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन व्यू में जाइएगा डिजाइन व्यू में जाने के बाद इस पर आपको एक फंक्शन यूज करना है जो बिल्कुल लास्ट में मिलेगा यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है शो एंड हाइड का ऑप्शन इसी में एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा टोटल का अब यहाँ पे एक चीज़ जगह ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी लिस्ट लिया गया है फील्ड लिया गया है इनमें कहीं भी यहाँ फील्ड से लेकर और तक कहीं भी बिना एक टोटल का ऐड नहीं हुआ पड़ा है जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टोटल पे तो एक और यहाँ पे फील्ड आकर के ऐड हो जा रहा है किसके नाम से टोटल के नाम से अगर आप कन्फ्यूज है तो मैं फिर से इसको हटा दे रहा हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ से टोटल हट जाएगा जैसे देखिए मैंने टोटल पर क्लिक करा ये हट गया तो मैं यहाँ पे जैसे ही टोटल को क्लिक करूँगा यहाँ पे टोटल आ गया और टोटल में बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन ले लेता है किसका ग्रुप बाई का अब देखिए दोस्तों ग्रुप बाई का मतलब क्या होता है अगर यहाँ पे आप क्लिक करिएगा ना तो इसी टोटल में ही ना आपका पूरा कैलकुलेशन का पार्ट आता है जोड़ घटा गुना भाग जो भी आप करना चाहते हैं जो भी कैलकुलेशन करेंगे सब इसी में दिखाई जैसे ग्रुप का है सम का है एवरेज का है मीन का है मैक्स का अकाउंट का है स्टेप डिस्क का सारे ऑप्शन इसी पे दिखाता है अब इसमें सबसे पहले ऑप्शन आपका कौन सा दिया है ग्रुप बाई का तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही टोटल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ग्रुप बाई बाई डिफॉल्ट ले, ले लेता है क्यों लेता है क्योंकि सबसे पहले फील्ड में इसके फील्ड में सबसे पहले किसका नाम दिया है ग्रुप का तो ये बाई डिफॉल्ट ही ग्रुप का ले लेता है अब ग्रुप का मतलब क्या होता है देखिए ग्रुप का मतलब होता है कि कोई भी नाम कोई भी नाम कोई भी डेटा कोई भी डेटा अगर आपका एक ही नाम या एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा और उसका आप यूनिक निकालना चाहते हैं तो यूनिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेट मैंने लिया यहाँ पे तो स्टेट में एक ही स्टेट का नाम बार बार, बार बार रिपीट हो रहा था बार बार रिपीट होकर के आ रहा था जैसे एक ही स्टेट का नाम दो बारी दस बारी बीस बारी आ रहा था और उस स्टेट का नाम मुझे एक ही बार चाहिए एक स्टेट का नाम सिर्फ एक बार आए यूनिक स्टेट का नाम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे तो इसको यहाँ से टोटल करके और इसके स्टेट के नाम को हम क्या करेंगे ग्रुप कर देंगे और ग्रुप करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए अब जो भी स्टेट है वो स्टेट का नाम एक नाम एक ही बार आ रहा है कोई भी रिपीटेड नहीं आ रहा था इन्हीं सारे स्टेटों का नाम बार बार रिपीट होकर के टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना दिखा रहा था हंड्रेड दिखा रहा था सौ दिखा रहा था लेकिन वो सब स्टेट का नाम नहीं था स्टेट सिर्फ इतना ही है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस ही स्टेट है लेकिन दस ही स्टेट बार बार रिपीट हो करके और आपका सौ टाइप दिखा रहा था वहाँ पे तो मैंने इसको क्या किया ग्रुप कर दिया ग्रुप करने के बाद क्या हुआ कि एक स्टेट अब एक ही बार दिखाएगा वो कोई भी स्टेट का नाम अब आपका डुप्लीकेट नहीं शो कराएगा तो इस तरीके से ग्रुप में जा करके और डुप्लीकेट वहाँ से मूव कर देगा तो मैंने यहाँ से ग्रुप कर दिया अब देखिए दोस्तों बात क्या करना है यहाँ पर कि इसी स्टेट वाइज अगेंस्ट इसी के स्टेट के अगेंस्ट में मुझे इसका अमाउंट चाहिए था आर सी अमाउंट तो मैंने यहाँ से आर सी अमाउंट को भी क्लिक करा और आर सी अमाउंट क्लिक करके यहाँ पर ला दिया अब यहाँ पर एक चीज़ का ना बड़े ध्यान से रन कीजिएगा देखिए आर सी अमाउंट को भी जो मैं ले करके यहाँ पे आया हूँ तो आर सी अमाउंट बिना बाई डिफॉल्ट क्या किया है इसने टोटल में जा करके और ग्रुप कर दिया है लेकिन यहाँ पे आर सी अमाउंट को हमें ग्रुप नहीं करना है आर सी अमाउंट का हमें टोटल अमाउंट चाहिए तो जब टोटल अमाउंट अगर चाहिए होगा तो टोटल अमाउंट को हम क्या करेंगे तो यहाँ से इसको ग्रुप बाई को हटा करके और इसको हम सम कर देते हैं सम मतलब क्या हो जाएगा जोड़ना है कि जो भी इसमें अमाउंट होगा तो इसको जोड़ करके दिखा देगा अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा दे रहा है टोटल अमाउंट कितना आ रहा है तो आसाम का हो गया इकतीस सौ चालीस रुपया बंगाल का हो गया अट्ठाईस सौ इकतालीस रुपया थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं इसको और आसान तरीके से करता हूँ बस वीडियो में आप बने रहिएगा उम्मीद करता है इस बार का जो मैं तर्क आपको दे रहा हूँ इस बार का जो लॉजिक आपको मैं दे रहा हूँ इसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन में चला जा रहा हूँ मैं यहाँ से जा कर के और इसको डिलीट किया मैंने इसको भी जा कर के यहाँ से डिलीट कर दिया ये लीचे अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ से जा करके के आर सी अमाउंट को लेकर के आया ठीक है दोस्तों आर सी अमाउंट को मैंने यहाँ पे ग्रुप ना करके इसको सम कर दिया क्योंकि मुझे जानना है कि इस डेटा में मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ इस डेटा में जो आर सी अमाउंट दिया गया है टोटल आर सी अमाउंट है कितना जोड़ करके बताना है तो टोटल अमाउंट आर सी अमाउंट कितना है मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ मैंने क्या किया कि यहाँ पे आर सी अमाउंट को उठा कर लाया और मैंने सम कर दिया सम करने के बाद इसको यहाँ डिज़ाइन में जा करके के मैंने रन कर दिया तो आप देख सकते हैं टोटल आर सी अमाउंट कितना आ रहा है तो तीस हज़ार पाँच सौ सात रुपये आ रहा है अब प्रॉब्लम इसमें क्या है दोस्तों कि तीस हज़ार पाँच सौ सात रुपये तो आ रहा है पर अगर कोई ये सवाल कर दे कि ये तीस हज़ार पाँच सौ सात रुपया कौन से स्टेट का है तो यहाँ पे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन से स्टेट का है क्योंकि ये तीस हजार पाँच सौ सात रुपये जो आ रहा है ये तीस हजार पाँच सौ सात रुपये इन सारे ही स्टेट का टोटल आरसी अमाउंट है सारे ही स्टेट कौन सा तो दिल्ली का मुंबई का चंडीगढ़ का पंजाब का मतलब कि जो दस स्टेट है उन दसों स्टेट का मिला करके टोटल आर अमाउंट कितना आ रहा है तो तीस हज़ार पाँच सौ सात रुपये है अब यहाँ पे अगर ये सवाल कर दिया जाए कि तीस हज़ार पाँच सौ सात रुपये में दिल्ली का कित दिल्ली स्टेट में कितना है मुंबई स्टेट में कितना है हर एक स्टेट का अलग अलग निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको पहले मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ इसके लिए हम क्या करेंगे तो राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन पे जाते हैं अब ये जो अमाउंट आया है इसको स्टेट वाइज बना देते तो स्टेट वाइज कैसे बनाएंगे तो यहाँ से मैं स्टेट को क्लिक करके उठा के लाया और जस्ट इसके सामने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पे स्टेट को मैंने क्या किया ग्रुप कर दिया ग्रुप इसलिए कर दिया क्योंकि एक स्टेट का नाम सिर्फ़ एक बार ही आएगा और अमाउंट को हमने क्या कर रखा है सम कर रखा है ठीक है दोस्तों अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पैंतीस हजार कुछ रुपये जो सात सौ कुछ रुपये आ रहा था उसी का ये ब्रेकअप बना दिया जैसे मैं यहाँ से देखिए आपको एक पर समझा दे रहा हूँ कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको एक्सेल पे पेस्ट करते रहूँ एक्सेल पे ला करके मैं आपको समझा दे रहा रहूँ कि उसी का ब्रेकअप कितने बेहतरीन तरीके से निकाल दिया है यहाँ पर मैं एक्सेल पे आया एक्सेल पे आने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी साफ दिखेगा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ और यहाँ पर ला कर के जो मैंने वहाँ से कॉपी करा है यहाँ पर ला कर के इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ मैंने यहाँ से टेक्स्ट में ले लिया मैंने यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया ये डेटा निकल के आ गया अब देखिए अब इसी अमाउंट को अगर मैं जा करके यहाँ पे सम करता हूँ मैंने सम करा यहाँ पे। मैंने यहाँ से ले करके और यहाँ तक सबको सेलेक्ट कर लिया स्टेट को और मैंने क्लोज करा एंटर किया तो देख सकते हैं तीस हजार पाँच सौ सात रुपये जो टोटल वहाँ पे आ रहा था और इसी तीस हज़ार पाँच सौ सात रुपये के इसने क्या किया है तो स्टेट वाइज ब्रेकअप बना दिया कि कौन से स्टेट में कितने कितने का अमाउंट आ रहा है और टोटल अमाउंट कितना था वहाँ पे तो तीस हजार पाँच सौ सात रुपये तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सेल एक्सेस में डेटा पे कैलकुलेशन का, का काम कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो एक बार इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि तो अभी एक्सेस का ये मैं दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ अभी एक्सेस के बहुत सारे वीडियो इस पर लेकर आने वाला हूँ तो अगर आप घर बैठे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एक्सेस सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि तो मैं रोज़ इस पर एक्सेस का अब एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूँ